गोहाना से पहली खबर है जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने यहां पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 जनवरी को शादी समारोह के दौरान हत्या का ये मामला सामने आया था। अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड भी लिया गया था और गोहाना के लाठ गांव का ये पूरा मामला बताया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी अब हासिल हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। समारोह पूरा खत्म हो गया था शादी वाला और जाने लग रहे थे, और जो अजय था उसका चाचा था सिकंदर, तो उस टाइम इनकी कुछ आपस में कहाँ सुनी होगी थी सिकंदर के साथ में। फिर अजय लड़का भी आ गया था अपने चाचा की लड़ाई देखने के लिए, अब किस कौन उसके साथ झगड़ा करे है, बराती कौन कौन है, और उनकी मार पिटाई हुई कुछ सिकंदरपुर के दूसरे भी लड़के साथ थे उसके। तो उसी टाइम में एक काड़ू लड़का है वो उसके पास में चाकू था, जो काड़ू के साथ ही सिकंदर का स्टार्टिंग हुआ था कि उस काड़ू ने सिकंदर को थप्पड़ मार दिया था, और फिर दूसरे भी लड़के आ गए थे। उसमें से हमने 3 लड़कों को तो गिरफ्तार कर लिया, 2 और हैं टोटल, ये 5 लड़के थे। पांच जनवरी को शादी समारोह का ये पूरा मामला था, अब अदालत में पेश किया गया है इन आरोपियों को और रिमांड पर लिया गया है। बड़ी सफलता पुलिस को यहां पर हाथ लगी है, आपको बता दें। युवक की हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 जनवरी को शादी समारोह के दौरान इनकी हत्या हुई थी। हमारे संवाददाता सुनील जिंदल है गोहाना से हमारे साथ। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, गोहाना के लाट 5 जनवरी को जो है एक फ्रेवड़ी गांव से जो है बारात आई थी, इसी दौरान जो गांव के कुछ लोगों के साथ कहा सुनी हो गई थी, जब पूरा जो रात थी, जब पूरा शादी समारोह खत्म हो चुका में जाते समय जो है कुछ कहा सुनी हुई थी, इसी बात को लेकर जो है जो बारात में आए करीब 4 युवकों ने जो है एक युवक की जो है चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में जो है अब पुलिस ने जो है 3 आरोपियों गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी जो पकड़े गए हैं वो करेवड़ी गांव के ही रहने वाले हैं, और अभी तक की पूछताछ में यही खुलासा हुआ कि जो बारात में आए थे युवक शराब पिए हुए थे और गली से जाते समय जो है गाली गलौज करते जा रहे थे, तो लाठ गांव के रहने वाले एक आदमी ने जो है उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा सुनी कर दी, और उनमें से एक कालू नाम के युवक ने जो है ग्रामीण को थप्पड़ मारा था। इसी दौरान जो है मृतक वहां जो पहुंच गया और उनके साथ कहा सुनी हो गई, तो उन्होंने जो है जो आरोपी थे उन्होंने उस युवक को जो है चाकू मार दिया, जिसके दौरान घायल जिसको खानपुर पीजीआई रेफर किया गया था, लेकिन वहां जो इलाज के दौरान अजय नाम के युवक की जो है मौत हो गई थी। तो पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों गिरफ्तार किया है, जिसे अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि जो उसके बाकी आरोपी है इस मामले में उनको भी जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए, नजर बनाकर रखिए आप।